तो अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने सेट के अंदर जहाँ पे हम लोग रिहर्स करने वाले हैं। कैसे किकू भाई? हेलो कृष्णा, कैसे कहते विशाल? अरे वीआईपी, कैसे भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। हैप्पी टू सी यू भाई। बहुत सारे लोग हमें लिखते थे कि आप बिहाइंड द सीन्स क्यों नहीं शूट करते, तो हमने सोचा चलो आज हम एक घर से शुरुआत करते हैं। ये लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पता है? ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पता है? कुछ बेच रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी उनसे कोई चीज ले लेनी चाहिए। दादा ये क्या है, ये कपड़ा ये दे दो ना एक, हाँ। और एक ये स्टैंड भी दे दो मोबाइल का, कितने का है? ये तो ठीक है। कितने का? 300 रुपए। तो दोनों 300, 120 लगा। मैंने दे देना, थैंक यू दादा। और इसको कहीं पे भी लगा के मैं कर सकता हूँ ना? और ये किस लड़की की फोटो लगाई आपने? निकल नहीं जाएगा, अच्छी है। लड़की की फोटो की वजह से तो मैंने लिया है। क्या नाम है दादा आपका? रफीक भाई, लव यू। मेहनत करते रहो। ये लोग मेरे को बड़ा इम्प्रेस करते हैं, पता है? ये धूप में खड़े होके सामान बेच रहे हैं, ये भी अपना परिवार पाल रहे हैं। ये देखिए आगे जा रहा है ना जो, मुझे बचपन में ना ऐसी गाड़ियां बड़ी वो लगती थी फैसिनेटिंग, ऐसे कि मुझे लगता था स्कूल जा रहे हैं मार पड़ेगी, इससे अच्छा ऐसा कोई काम मिल जाए, कोई ब्रेड वाली गाड़ी चला के जाऊं मैं, सबको सुबह सुबह ब्रेड बांटू 7 से 10 और 10 बजे फ्री। ऐसे भी सपने होते हैं कभी कभी। तो दोस्तों ये है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी फिल्म सिटी, जिसको आप हमेशा ही जिसके बारे में सुनते हो। और ये मेरे राइट हैंड साइड देखिए आप कैमरा के, ये किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। और ये हम लोग पहुंच गए TKSS यानी द कपिल शर्मा शो के सेट पे। ये चंदन है, चंदन प्रभाकर, ये ये आएंगे और ये बहुत रिहर्सल करते हैं, बहुत रिहर्सल करते हैं भूलने की। पकौड़ा साहब और ओढ़े ऐसे ही बनते हैं। ए, क्या बकवास कर रहे हो? गुड आफ्टरनून पप्पू। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम लोग अपने सेट पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी टनल है जहाँ से हम लोग निकल के जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये दोस्त हैं, ये चेक करते हैं। दादा आपने अपना पहले टेम्परेचर चेक किया? तो ये हमारा रेगुलर प्रोसेस है। आइए मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, जो कोविड की वजह से पूरे अरेंजमेंट्स हुए हैं, ये सबको जोन्स में बांटा गया है। तो जो जोन ए है मेन फ्लोर सर्विस एरिया, जोन बी बैकस्टेज एरिया, तो ऐसे अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं कि जिसका जहाँ पे काम होगा वहीं जाएगा। जो आर्टिस्ट हैं उनका ये लाउंज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए लेके आइए, ये देखिए ये हमारे कृष्णा जी हैं। ये हमारा आर्टिस्ट लाउंज है जहाँ पे हम लोग बैठ के रिहर्सल करते हैं। ये नदीम भाई हैं, ये हमारे हीरा जी हैं, और ये हैं हमारे मिस्टर भरत कुकरेती, और ये साथ में उनकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ओ सॉरी। अभी हम लोग रिहर्सल करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चलेगा कौन ज्यादा भूलता है कौन, मतलब सारी अंदर की बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। करे सर शुरू। मुंबई आए हो तो जरूर खाना यहाँ का बड़ा पाव। ओ मटवली आंटी, सामान पैक कर ले, निकलने वाली है मड़ की लास्ट नाव। चलो वाह सिद्धू साहब वाह, क्या शेर मारा आपने। मैं उल्टे हाथ का मार सकता हूँ। हाँ मिस्टर चंदू, लेकिन आपका नाम गेस्ट लिस्ट में तो नहीं है। इसका तो बर्थ लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन ये हुआ ना पैदा, कुछ चीजें धक्के से भी होती है। मैं गेस्ट हूँ ही नहीं, मैं इधर परमानेंट हूँ। आप जरा ठीक से गेस्ट लिस्ट चेक कीजिए, लिखा होगा कपिल का दोस्त। ये पीछे दिनेश आ गया है, ये फायदा उठाता है नेपोटिज्म का, क्योंकि ये मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, इसलिए सारा बैंड आया हुआ है, ये अकेला लेट आया। और कहाँ थे तुम? ऐसा भी नहीं है कि ए रहमान के साथ कुछ शूटिंग कर रहा है, था इधर ही कहीं बाथरूम कर रहा होगा। आया थोड़ा कम किया करो बाथरूम। बाथरूम के लिए छुट्टी नहीं लेनी, बाथरूम तो रोज आता रहता है, उसमें क्या है। ऐसे दो लाइनें आप लोगों के लिए, ये एक गजल है गुलाम अली साहब की, बड़ी मजेदार। ऐ हुस्ने बेपरवा तुझे शबनम कहूं, शोला कहूं, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोकी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ। हुस्न बेपरवा
तुझे शबनम कहूं। ये हमारा लाउंज है जहाँ पे हम लोग जब हमारे आर्टिस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, और यहाँ पे हमारे जो है गेस्ट बैठते हैं आके, उनको हम वेट कराते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि डायरेक्ट ले आए तो कहीं उनमें घमंड ना आ जाए। अभी मैं सिद्धू पाजी का करेक्टर करने वाला हूँ। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है एक्चुअली, क्योंकि एक तो पूरे फेस पे गम लगानी पड़ती है और वो इतनी जलन होती है उसमें कि मैं तो अभी बड़े पूरा एक सीजन तो मैंने दाढ़ी रखी थी खुद ही, तब तो इतना करना नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ फिर ये गम लगाओ पूरे चेहरे पे, फिर पगड़ी बांधने में भी टाइम जाता है और हमें में से किसी को बांधनी भी नहीं आती, तो ये पाजी हैं हमारे, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं आके। और आधा गैग शूट हो चुका है, तो जैसा कि आप लोग देखते हो पूरा, अगर सपोज 25 मिनट का गैग है तो आप लोगों को पूरा 25 मिनट में देखने को मिलता है, लेकिन उसको शूट करने में जो है वो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे चले जाते हैं अगर गेटअप चेंज हो तो। अगर कोई गेटअप चेंज नहीं है फिर एक ही फ्लो में होता है। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब मैंने राजेश रोड़ा बना था, अभी मैं बन रहा हूँ सिद्धू पाजी, और ये कैरेक्टर में एनर्जी बहुत चाहिए, लेकिन अभी मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो हो चुकी है, बट एज ऑलवेज आई हैव ब्लैक कॉफी। ओ सुनो लड़की, इधर आ बच्चों, तू असली है कि तू लड़का हीर ने दिखाई ऐसी अदा, हीर ने दिखाई ऐसी अदा कर रांझे को भागी। क्या बात है, ये मट वाली आंटी मरी कुर्सी खा गई। तो अभी मेरा स्टैंड अप शूट होने वाला है, फेक एनर्जी के साथ जा रहा हूँ। सारा दिन गैग शूट किया आज दो बार ब्रेक में, और बट आई एम हैप्पी कि आज सारे आर्टिस्ट यहीं पे हैं, बिकॉज वैसे उनका काम हो चुका है, उनका पैकअप हो चुका है, लेकिन वो खाली मस्ती मजाक के लिए बैठे हुए हैं, तो एनर्जी मेरे में है नहीं, लेकिन शो मस्ट गो ऑन माई फ्रेंड्स, लेट्स रॉक। ये सब लोग मस्ती के मूड में हैं क्योंकि इनका पैकअप हो चुका है। इसकी अंग्रेजी खत्म हो रही है ना। मैंने इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी। वो जल्दी खींच लो यार, खराब हो गई वो। हाँ जी बाजी। ये होता है जिसके नाम पे शो हो ना, उसका ये एक डिसएडवांटेज है। ये देखो अपना फोटो शूट, मतलब है कोई कैसी है? ये मतलब शूटिंग है नहीं है, इसका अपना शूट चलता है, अपना बंदा लेके आती है घर से, अपना कैमरामैन, और ये सब होता है। सो दोस्तों इस समय रात के 12:10 हो चुके हैं, हम कल आए थे और नेक्स्ट डे जा रहे हैं। सो ये था आज हमारे पूरे दिन का शेड्यूल, और जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। Love you. Good night. Shabba khair. Thank you. बड़ा टेस्ट करता है। अब तू कैसे स्टार्टर है, मुझे आज पसंद ही नहीं आया बिल्कुल। ये पहले तो मैं ऐसे लग रहा, पहले भी किसने चूसे।